सैमसंग ने हाल ही में अपने ए सीरीज और एम सीरीज के काफी फोन लॉन्च किए, जैसे कि एम सीरीज में आपको M20, M30 मिल जाता है, ए सीरीज में आपको A10, A40, A50 और A60 और अब लॉन्च होने वाला है A90। इस वीडियो में हम आपको A90 के ही कंफर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो सबसे पहले इसके खास फीचर की बात करते हैं। जैसे ही अभी वीवो और ओप्पो ने अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, वीवो का आपको V15 Pro मिल जाता है और ओप्पो का आपको F11 Pro मिल जाता है, जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो सैमसंग भी अब पॉपअप सेल्फी कैमरा लेके आने वाला है, और इसलिए क्योंकि अभी S10 Plus जो सैमसंग ने लॉन्च किया उसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती थी, लेकिन अब जो A90 आने वाला है सैमसंग का, इसमें आपको नॉचलेस डिस्प्ले मिलने वाली है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंचेस की OLED सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको इसी में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलने वाले हैं। एक में आपको मिलेगा एक्सिनोस का 9610, सेकंड वेरिएंट में आपको स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो अच्छी बात है। दोनों ही बेहतर प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर इंटरनल मेमोरी की बात करें तो आपको 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब कैमरे की बात करते हैं, जो इसका खास फीचर होने वाला है जैसे ओप्पो और वीवो की तरह। अब कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 10 मेगापिक्सल का वाइड एंगल आपको लेंस मिलने वाला है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको नॉचलेस डिस्प्ले मिलेगी। काफ़ी अच्छा फोन ये होने वाला है, और ये इसकी डायरेक्ट इसका कंपटीशन वीवो के V15 Pro और ओप्पो के F11 Pro से होने वाला है। बाकी इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। उसके साथ साथ बैटरी की बात करें तो 3700 mAh की बैटरी, और ये वन UI पे बेस्ड आपका फ़ोन होने वाला है, और इसमें आपको एंड्रॉयड पाई 9.0 भी मिलने वाला है। तो बात करें इसके लॉन्च डेट और प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग की बात करें तो ये इसका प्राइस लगभग अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या होने वाला है। लगभग आपको 35,000 रुपये में ये इंडिया में मिलेगा, और लॉन्च डेट की बात करें तो इंडिया में आपको 10 अप्रैल को ये लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, हमारी दी गई वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और अपडेटेड लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।